उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासत गरमाती नजर आ रही है। पीसीसी चीफ छत्तीसगढ़ की बात करें, माफ कीजिए, छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने साय सरकार पर केंद्र की योजनाओं को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी केंद्र ने पीएम आवास योजना का पैसा अटकाया था और जब आज राज्य में बीजेपी की सरकार है तब भी योजना की राशि जारी नहीं की जा रही है। पीसीसी चीफ ने राज्य सरकार से पीएम आवास योजना को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पीसीसी चीफ के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने आरोप पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 वर्ष के शासन में सुई के नोक के बराबर भी काम नहीं हुआ। पीएम आवास योजना के साथ ही अन्य केंद्रीय योजनाओं की दुर्गति कांग्रेस ने की थी। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री और उनके पूरे कुनबे झूठ बोलने का काम कर रहे, क्योंकि सबको पता है कि केंद्र से रिलेटेड योजनाओं की पैसा केंद्र सरकार मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की योजनाओं को पैसा पूरे अटकाने का काम किया, रोकने का काम किया। जिन्होंने 5 साल सुई के नोक के बराबर भी काम नहीं किया, मैं बार बार इस विषय को बोलता हूँ, मोदी जी की आयुष्मान भारत से लेकर बहुत सारी योजना है जिनको 5 साल छत्तीसगढ़ में, आप चले जाइए उस समय, चले जाइए कहीं भी, कहीं पे भी, कहाँ से हो, छत्तीसगढ़ से हो, नहीं चलेगा कार्ड, ये दुर्गति बना के रखी थी छत्तीसगढ़ का।